प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और खास नजर रखते हैं। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि खास चर्चा करेंगे पाकिस्तान में एक एजुकेशन इमरजेंसी लगने जा रही है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। चीजें और खासतौर पर हमेशा जो आप मेंशन करते हैं एजुकेशन को लेकर भी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी एजुकेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी 4 साल के लिए पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ये कह रही है, पता नहीं करते हैं या नहीं। वैसे तो जैसे आप भी कह रहे थे कि इनका सारा ध्यान तो इस वक्त लोन की तरफ है कि IMF से मिल जाए या कहीं से मिल जाए। साथ साथ जो है वो जर्मनी में भी बताया जा रहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 45,000 के करीब पहुंच जाएंगे। और बहुत तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो एजुकेशन पे काम कर रहा है। इसहाक डार साहब को जो है वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो ये सब चीजें यहाँ चल रही है, कैसे देखते हैं आप इनको? आरजू, सबसे पहले तो मैं कुछ दिन मेरी गैर हाजिरी रही देखने वालों से। एक तो मैं, आपको पता है, पॉलिटिकल वर्कर हूँ मैं, साथ हमारे इलेक्शन अपने जो है वो भी जोरों पर है, तो मैंने उसमें भी कुछ टाइम देना होता है। मैं माजरत के साथ कि मैं उसमें ट्रेवल कर रहा था अपनी कंपेन, ट्रंप साहब के कंपेन के हवाले से। दूसरा, पाकिस्तान से कई जोक जो है नए सुने जा रहे हैं। एजुकेशन एमरजेंसी है, एक जोक से ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि पैसा खाने को नहीं है कुछ भी, तो एजुकेशन किससे देंगे? देखिए, हवा से तो एजुकेशन नहीं आती ना। स्कूल बनाने से टीचर आएंगे और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं आपके, वो उनके बच्चे तो सब लंदन पढ़ रहे हैं, टोरंटो में पढ़ रहे हैं, रिहायशें हैं उनकी, उनको क्या जरूरत पड़ी है गरीब के बच्चे को पढ़ाने की? हाँ, दुश्मन के बच्चे को पढ़ा लेंगे, ये वो गाने तो बनाए उन्होंने, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि उसको तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो घास खाएगा तो वो पढ़ेगा किस तरह? दूसरा, इस वक्त टोटल मैंने बल्कि आज एक ट्वीट भी किया है IMF की खबर के साथ कि आपको 1 बिलियन कुछ तो मिल गया है मेरे ख्याल में, और 6 से 8 बिलियन मजीद मांगा जा रहा है, जिसमें मैंने अपनी तशवीश का इजहार किया है कि क्या IMF भी ये पाकिस्तान की एलीट के फ्रॉड में इन्वॉल्व है? क्या IMF आंखों से अंधा हो चुका है कि कोई भी पाकिस्तान के ग्रास रूट इश्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ कर्जे लूटने के चक्कर में है? और क्या IMF ये इस चीज को इग्नोर क्यों कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर IMF ये क्यों नहीं देखता कि आपका हर प्रोजेक्ट करप्शन से भरा पड़ा है? $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज दुबई में जो है वो सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने खरीदी है। 11 बिलियन तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, जो लंदन आधा खरीद लिया इन्होंने, टोरंटो आधा खरीद लिया। IMF आंखों से अंधा है कि एक ऐसे कंट्री को मुसलसल पैसे दे रहा है जो पैसे पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है? क्या पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है कि पाकिस्तान के जो ये जो रूलिंग एलीट है इनको 8-8 बिलियन के पैकेजेस दे रहे हैं और इन्हें पता है वो पाकिस्तान पहुंचेगा नहीं है? बल्कि मेरे जैसे बंदे यहां पे परेशान हैं जिनकी खून पसीने की कमाई ये दे रहे हैं। मैं अमेरिका में जो कमाता हूं उसमें से आधा तो ये टैक्स ले लेते हैं और वही पैसा फिर वो इन करप्ट लोगों को दे देते हैं, और फिर वो पैसा इनके तो मजे निकले हुए हैं कि वो पैसा पाकिस्तान जाता नहीं है, आपके गुर्दों पे साइन पहले कर आप ये साइन करके दे जाते हैं, और 250 मिलियन है वो बस किस्तें दे रहे हैं उसकी IMF की। वो किस्तें देने के लिए वोट्स इन्होंने रखे हुए, मुलाजम एक लेबर कैंप बना दिया है पाकिस्तान को। अब इसमें और खास बिल्कुल देखें, इनको सबको पता है कि करप्शन प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट वहां से कोई चीज ना हो रही है, ना होने की सलाहियत रखती है क्योंकि बिजली बहुत महंगी है, तालीम नहीं है, लोग वहां से जरीलो ख्वार होके भाग रहे हैं। जिस जर्मनी की आपने बात की है जहां पे 45,000 2024 में 45,000 भारतीय स्टूडेंट आ रहे हैं, आपके भी लोग जा रहे हैं वहां, मंडी बाउद्दीन से जा रहे हैं लेकिन पैदल चल के जा रहे हैं, डंकियों पे जा रहे हैं, आधे रास्ते में टर्की के सबा डूब जाते हैं समंदर, और मैट्रिक भी तालीम नहीं है। फिर हमारे आर्मी चीफ आते हैं, हमारे वजीर आजम यहाँ आके जलसों में कह देते हैं कि ये डायस्पोरा है, ये डायस्पोरे को अमेरिका, ये कहते हैं आप सब हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, ये नहीं पता ये सारे किश्तियों में आए हैं बैठ।
लेकिन इसमें आरजू दर हकीकत मेरे जख्म जो है वो मेरे जख्म 76 साल पुराने। मैं मुसलसल जब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ 1947 में जिस तरीके से वहां से इन्होंने शुरू किया, अब बल्कि मुझे अभी हिस्ट्री की एक बुक पढ़ रहा था जिसके अंदर मुझे पता चला कायद आजम हमारे फाउंडर ने अमेरिका से 2 बिलियन कर्जा मांगने का 2 बिलियन की ग्रांट मांगने के लिए लेटर लिखा था। एक्सक्यूज ये था कि भारत ने हमारे फंड्स जो है वो जब्त कर लिए रख लिए और ज्यादातर इंडस्ट्री भारत के हिस्से में चली गई। फिर भारत एक इतना बड़ा कंट्री है, हमारे पास फौज छोटी है, हमें डर है, खतरा है भारत से, हमें $2 बिलियन दिया जाए, अमेरिका ने नहीं दिया। फिर किस तरीके से इन्होंने पिशावर के अड्डे दिए, इन्होंने अयूब खान साहब आए, इन्होंने यहां बल्कि अमेरिका, इनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान आर्मी इज एन अमेरिकन आर्मी। फिर इस्लाम को यूज किया उस वक्त भी कि हम तो भाई सोशलिस्ट उनके साथ नहीं चल सकते, हम तो जमहूरियत के साथ चलेंगे क्योंकि सोशलिज्म के अंदर जो है वो इस्लामिक वैल्यूज नहीं। तो फिर ये जख्म, ये आपके हालात आज नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो एक, शहबाज शरीफ साहब तो एक चेहरे बदले हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सिकंदर मिर्जा, अयूब खान देखें, फिर जिस तरीके से लवी डवी होते रहे, फिर बिल्कुल ही पाकिस्तान डिपेंडिंग हो, आज भी डिपेंडेंट है अमेरिकन एड पे। आपकी आर्मी जो है डिफेंस टोटल ऑफ जो है वो क्योंकि हर टैंक, हर F-16, हर वहां पे बेल्ट तक तो बना नहीं सकते हैं भाई, वो तो F-16 को पंक्चर लगाने की सलाहियत भी नहीं रखते, वो भी यहां से जाती हैं चीजें, तो वो चल रहा है सारा कुछ। लेकिन फिर उसमें आरजू जब कौमें आगे बढ़ने की बजाय वहां से भाग रही हो, उसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जरा उनकी मैं डिफाइन करना चाहूंगा, कुछ तो जो वीजा की एप्लीकेशन भरने की सलाहियत रखते हैं वो तो वीजा लेके भाग रहे हैं, जो एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे वो पैदल भाग रहे हैं, जो लिख नहीं सकते अपने, जिनकी टांगे काम नहीं करते वो वहां बैठे हैं बस, उनको वो आप रहम करम पे हैं। एक जेल बना है, एक लेबर कैंप है, उसमें फंसे हैं 250 मिलियन लोग, और फिर उसके बाद आपने शुभ शुभ उनके पास क्या है, क्योंकि मेजोरिटी पढ़ है, जाहिल है, आपने देखें शुभ शुभ को जो आप अब वो फूंकों के साथ आपके कैंसर का इलाज कर रहे हैं, फूंकों के साथ वो बाईपास सर्जरी कर रहा है बंदा। दूसरा एक बंदा जेल के अंदर है जिसको एक औरत ने कहा है, तुम आओ भाई, 5 बच्चों की माँ हूं, तुम मुझसे शादी करो तुम वजीर आजम बन जाओगे, वो उसके साथ शादी कर ली उसने, फिर जिन्नात के जरिए 3.5 साल उसने चलाया। आज बल्कि मैं हैरान हूं एक बात, 2 चीजें मेंशन करना चाहूंगा। आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो है, सुना है टीवी के एक इंटरव्यू में रो पड़े हैं फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि नैब ने केसेस, नैब के खास बल्कि बिलखसूस मैं ये चाहूंगा, आपके तो खैर लोग देखने वाले, आपका ना याददाश्त बहुत छोटी, मेरे अक्सर दोस्त उस नैब के चेयरमैन का उन्होंने नाम रखा हुआ है चुमी चेयरमैन, जो पहले किसिस करते हुए पकड़े गए थे, तो वो उन्होंने मिफ्ता इस्माइल के ऊपर केस बनाया, उनकी वाइफ के ऊपर केस बनाया, फिर नैब के पास उसके केसेस का कोई प्रूफ नहीं था, तो वो जो अब आज उन्होंने वापस किया, तो वो आज टीवी चैनल पे रो पड़े। यूपेन के ग्रेजुएट है, उस पर मुझे एक और सेनेटर थे उनकी, मुझे याद वो बहुत हो चुके हैं, उनकी कौमी असेंबली में स्पीच थी, उन्होंने कहा था कि अब हम रो रहे हैं, कल आप भी रोओगे, और उनके ऊपर केस बनाने वाले मेरे मुर्शिद पाक थे। मिफ्ता इस्माइल के पास चुम्मी चेयरमैन जो था ऑपरेट होता था इमरान खान के रिमोट कंट्रोल से। आज ये कहते हैं हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इन्होंने खुद अपने दौर में क्या क्या नहीं किया, लेकिन हर दौर में होता है, आज 76 साल से हो रहा है। आज मैं आपको जो आपने खुद बात की, इसहाक डार साहब को डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, साथ मेरे राणा सनाउल्ला साहब को भी बना दिया गया है, क्योंकि सुना है कि इंतशार अंदर से ही शुरू हो चुका है। इन दो लोगों की खूबसूरती क्या है, ये नवाज शरीफ ग्रुप के लोग, ये मायूस थे, और जब उस मौके पर ये सारी अनाउंसमेंटें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब अपने दोते को साथ लेकर सफदर साहब को, सफदर जुनैद सफदर को साथ लेकर चाइना के दौरे पे गए हैं कि आए और सुना अपनी पर्सनल एंटरप्राइज बढ़ा रहे हैं, वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कौम के लिए, अगर देखा जाए तो कुछ भी लेने नहीं गए, जो बाहर एक ड्रामा किया जाए चले करें। देखें 250 मिलियन बेवकूफ मिले हैं आपको, आप लूटे उनको, आप दिल खोल के लूटे, क्या फर्क पड़ता है, और तो आप पहले और आखिरी नहीं होंगे, ये भी बताना चाहूंगा, आप पहले और आखिरी नहीं जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पहले भी लूटते रहे हैं, आज भी लूटेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम अपनी माँ के कपड़े फाड़ने में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, 76 साल से फाड़ रहे हैं, दूसरे सऊदी अरेबिया चले गए हैं, इस वक्त आपकी हुकूमत की सिर्फ एक ही
आगे चलने की सलाहियत है कि अगर $5 बिलियन कहीं से मिल जाएगा जो को ये सारे लूटेंगे मिलके बैठ के, तो ये हुकूमत चलेगी वरना हुकूमत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ से आपको इशारा आ चुका है, कल बड़ा अच्छा जावेद फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के साथ हाथ मिला लिया तो ये गवर्नमेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे खुद आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान में एजुकेशन यानी कि पढ़ाई लिखाई का मतलब है एक मजाक, यानी कि एजुकेशन इमरजेंसी, यानी कि जो पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी लगने जा रही है वो एक पाकिस्तानी जोक है। और आपने देखा वो पाकिस्तान जहां पे पिछले 75 सालों से सिर्फ भारत के नाम पे और मजहब का चूर्ण बेचा जा रहा है, जी हां सिर्फ ये बताया जा रहा है कि भारत उनके लिए खतरा है और अपनी जनता को डरा डरा के उन्होंने IMF और अमेरिका से बहुत सारे $1 बिलियन लूटे। इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत।